एक इम्पॉर्टेंट लेकिन इजी नीट का क्वेश्चन है और वो स्टोकियोमेट्रिक पर रिलेटेड है, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है। तो देखें क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन फॉर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम्स ऑफ 20% लाइमस्टोन एटॉमिक मास गिवन एज 40 इज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इक्वेशन इज ऑल्सो गिवेन। तो अब हमको ये बताना है कि 20% लाइमस्टोन को अगर हम गर्म करें तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और इसके लिए हमको चार ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो अब इसको हमें अगर सॉल्व करना है तो हमें इसकी स्टोकियोमेट्री समझना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसा कि हम देख रहे हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इट फॉर्म्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स 100 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, सो 100 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन गिव्स 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देयरफॉर 20 ग्राम्स विल गिव 8.8 ग्राम्स। वेल दिस इज ऑल राइट, दिस इज वैलिड ओनली फॉर व्हेन द लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट इज 100% प्योर, बट एज सेड हियर इट इज 20% लाइमस्टोन। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 20% लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, एंड दैट वी कैलकुलेट दिस वे 20/100 × 20 दैट इज 4 ग्राम्स। तो 4 ग्राम्स के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और हमने ये कैलकुलेट किया इस तरह से, इट इज 1.76 ग्राम। सो द करेक्ट आंसर इज 1.76 ग्राम्स, ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। नाउ वी प्रोसीड टू, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका वजन कितना है ये पूछा जा रहा है, और उसके लिए ऑप्शंस ये दिए गए हैं 30, 18, 16, 32। अब करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि रिएक्शन क्या है। सोडियम इथेनेट या हम कहें सोडियम एसिटेट, जिसको हम बोलते हैं जब लाइम स्लिक विद सोडा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एक रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन है जिसमें कि मीथेन बनता है। द रिएक्शन इज लाइक दिस, सो यू गेट मीथेन एंड सोडियम कार्बोनेट, सो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज मीथेन। फिर हम इसी तरह से कैलकुलेट करें कि मोल स्टोकियोमेट्री निकालें, 1 मोल सोडियम इथेनेट से 1 मोल मीथेन बनता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है 2 मोल्स, और ग्राम में वेट पूछा जा रहा है, तो 2 मोल से 2 मोल बनेगा, और 2 मोल्स मीन्स 2 × मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन दैट इज 32 ग्राम्स, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 32, ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग।